सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जी एक साथ समवेत दोनों सभाओं को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के उपस्थित हो सके, इसलिए मैं इस सभा की ओर से लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 384 में छूट देते हुए इस कक्ष का उपयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के स्थान के रूप में करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभा इसमें सहमत होगी। चेक करते हैं। आइटम नंबर 1, महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of the address of the President to both Houses of Parliament assembled together on the 31st of January 2024. माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री बद्रेश्वर ताती असम के कलियाबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री ताती ने विशेषाधिकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री बद्रेश्वर ताती का निधन 4 दिसंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में असम के गोलाघाट में हुआ। श्री सोनवाले प्रताप नारायणराव महाराष्ट्र के धुले संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सोनवाले ने जल संसाधन संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व सोनेवाल 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री सोनवाले प्रताप नारायणराव का निधन 22 दिसंबर 2023 को 75 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3, श्री सुनील कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेषाधिकार समिति का 7वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 1 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अध्यक्ष जी।